अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी। इस केक को हमने कढ़ाई पे बेक किया है और यह बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हमारी केक बनकर तैयार हुई है। तो आइए हम इस केक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। केक हमें कढ़ाई पे बेक करनी है, इसलिए एक कढ़ाई गैस पे रखेंगे। इस पर एक स्टैंड रखेंगे इस तरह, या फिर कोई स्टील की कटोरी कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे गरम कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने केक टिन में बटर पेपर लगाकर इसे अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। अगर बटर पेपर ना हो तो इस पर मैदा डस्ट कर दें। अब केक के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। बॉल में एक अंडा इस तरह तोड़कर ले लेंगे। इसी के साथ इसमें ऐड करना है 1/2 कप पीसी हुई शक्कर। अब इसे हमें बीट कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप किसी स्पून या फिर विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह बीट कर लीजिएगा। अब इसमें ऐड करना है 1/4 कप ऑयल, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब इन सभी को मिलाकर हमें अच्छी तरह बीट कर लेना है। यह हो चुका है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करना है। इसके ऊपर एक बड़ी सी छलनी रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, कोको पाउडर डालेंगे 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह हो तो उसे हम बाहर निकाल दें। स्पैचुला से मिला देंगे। हाफ कप दूध है, इसे थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाते जाएंगे। बैटर थोड़ा थिक है इसलिए इसमें थोड़ा और दूध ऐड करेंगे। हमने 1/2 कप दूध लिया था, वो पूरे इसमें यूज हो चुके हैं। एक बार इसे बीट कर लेते हैं। याद रखिएगा, इसे ओवर बीट नहीं करना है, सिर्फ सारी चीजों को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा रेडी है। अब हमें इसे केक टिन में ट्रांसफर कर लेना है। 2 से 3 बार इसे इस तरह टैप कर दें ताकि इसमें का एयर बबल्स बाहर निकल जाए। कढ़ाई भी अच्छी तरह गर्म हो चुकी है। स्टैंड के ऊपर केक टिन रख देंगे, फिर से इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट तक इसे बेक करेंगे। पूरे 35 मिनट हो चुके हैं, एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। इसके सेंटर में नाइफ या फिर इस तरह का वुडन स्टिक डालकर देख लें। यह देखिए, यह बिल्कुल क्लीन है, केक तैयार है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह नाइफ से हम इसके साइड अलग कर लेंगे। इस तरह इसके ऊपर प्लेट लगाते हुए इसे पलट लें, हल्का सा इसके ऊपर टैप कर दें। इसमें जो बटर पेपर लगा है इसे हटा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और स्पंजी केक हमारी बेक हुई है। इसे थोड़ी देर हम फ्रिज में ठंडा कर लेंगे, जब तक हम इसकी आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप हमने व्हिप क्रीम लिया है, 1 टीस्पून इसमें वेनिला एसेंस मिलाएंगे। अब इसे अच्छी तरह हमें बीट कर लेना है। व्हिप क्रीम रेडी है। अब हमें चॉकलेट गनाश बना लेना है। गनाश बनाने के लिए 100 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून दूध ऐड कर देंगे। चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, 1 टीस्पून बटर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर दें। इसे हमने डबल बॉयलर मेथड से बनाया है। केक हमने फ्रीज से निकाल लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर की लेयर हम साइड रख देंगे। पहली लेयर पे हम शुगर सिरप लगा देंगे। थोड़े से गर्म पानी में 1 टीस्पून शक्कर मिलाकर उसका सिरप तैयार कर लिया है। इस तरह चारों तरफ लगा देंगे। अब इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा देंगे। क्रीम अच्छी तरह लग चुकी है, अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर रख देंगे।
इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगा देंगे। क्रीम लगा देंगे इसके ऊपर भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आइसिंग हमने अच्छी तरह कर ली है। स्क्रैपर से थोड़ी साइड में डिजाइन बना देंगे। अब इसके सेंटर में डालेंगे चॉकलेट गनाश। यह देखिए केक के ऊपर चॉकलेट गनाश अच्छी तरह लग चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ी डेकोरेशन कर लेते हैं। इसके ऊपर एक एक चेरी रख देंगे। तो यह देखिए बिल्कुल बेकरी स्टाइल घर पे बिना ओवन के ब्लैक फॉरेस्ट केक हमारी बनकर तैयार है। हम इसे काट कर आपको दिखाते हैं। यह देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक हमारा बनकर तैयार है। तो मेरी इस ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुक विद लाडली को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।